एंटरटेनमेंट की हमारी ये पालकी अब तो लेकर चल रही है हमें सीधा अनुपमा के घर। तो देखें कहानी में आया है कौन सा नया मोड़, कौन सा नया ट्विस्ट। चलते हैं सीधे अनुपमा के पास और जानते हैं क्या है आज इनका हाल। अनुपमा और अनुज का सब्जी रोमांस, ये है फूल गोभी वाला प्यार। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फिर एक बार मिली अनुपमा और अनुज की आंखें, फिर शुरू हुआ प्यार का सिलसिला और इस बार इन्हें रोमांस करने का बहाना दिया है इन सब्जियों ने। जी हाँ, अनुज अनुपमा के लिए ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आए हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। अनु, सब्जियों का राजा आ चुका है, तुमने छत पे कहा था ना कि तुम्हें गुलाब के फूल से ज्यादा फूल गोभी पसंद है, तो ये वैसे भी कम पैसे वाली लव स्टोरी में यही फूल दिया जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी बिजनेस डील की है अनु, लेकिन जो मजा सब्जी वाले से फ्री में धनिया लेने में है ना, वो बड़ी बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने में नहीं है। सच कह रहा हूँ, फ्री लाया हूँ। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जी वाले सब्जियों पे हर समय इतना पानी क्यों छिड़कते हैं? नहीं, जब देखो ऐसा लगता है कि सब्जियां बेहोश हो गई हैं, टमाटर और ये बैंगन बेहोश हो गए हैं, उनको पानी डाल के होश में लाया जा रहा है। फनी था, मशरूम्स भी थे वहाँ लेकिन मैं लाया नहीं, थोड़े महंगे थे। अच्छा, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं एक ही दिन में टॉप क्लास मिडिल क्लास आदमी कैसे बन गया? हेलो, टैलेंट है, टैलेंट। सालों से कोई समझा नहीं था, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग शुरू करूँ, सब्जी लेने के टिप्स दूँ उस ब्लॉग में। लेकिन लगता है अनुपमा को अनुज की यह हरकत कुछ रास नहीं आई। भाई वो तो अनुज पर भड़क गई इतनी सारी सब्जियां लाने पर। ये कद्दू नहीं है, सोच रही हूँ कि ये कद्दू अपने सर पे दे मारूं या फिर इस लोकी से आपकी पिटाई करूं। इतनी सब्जियां को अब हंस क्यों रहे? नहीं, तुम ऐसे ऐसे डांट रही हो, एक वाइफ की तरह मुझे हस्बैंड वाली फील आ रही है यार। तो और कैसी फील चाहिए आपको? यही फील तो आएगी ना। सच में? हाँ। तो भाई अनुपमा और अनुज की ये खट्टी मीठी नोक झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन असली तमाशा तो हो रहा है वनराज और अनुपमा के बीच। अनुपमा पहुंचती है वनराज के ऑफिस और ऐसे में दोनों के बीच फिर एक बार शुरू हो जाती है टकरार। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी! यस सर। इस औरत को धक्के मार के यहाँ से निकालो। ये मत सोचो कि ये औरत है, जस्ट थ्रो आउट। कह रहा क्या? बोला ना इसको निकालो यहाँ से, थ्रो आउट। सॉरी सर, अनुज की अनुपमा को कोई अनुपमा की जिंदगी में, वनराज शाह की जिंदगी में, शाह परिवार की फैमिली में बहुत कुछ हो चुका है और अनुपमा अब अनुज के साथ जुड़ गई हैं इमोशनली, और वनराज बिजनेस को एक्वायर कर चुका है। वनराज एकदम सिंगल माइंडेड फोकस के साथ काम कर रहा है कि उसे अब किसी भी हालत में बड़ा बनना ही है, जो उसने सपना देखा है, और उसे अपनी फैमिली के लिए करना है जो भी। दूसरे हाथ पे काव्या ने भी वनराज को ज्वाइन किया है अभी, और मालविका जो अनुज की सिस्टर हैं वो मेरी पार्टनर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, और एक हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे अभी पता नहीं कि आगे और क्या क्या हो सकता है। तो बहुत ही एजी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए नजर आई थी अनुपमा, काफी गुस्से में है, तो कुछ बता दीजिए उस बारे में। पहले वनराज चुनौती देते थे, आजकल अनुपमा चुनौती दे रही थी, तो ये तो डेफिनेटली बहुत फर्क आ गया है। बट वनराज बीइंग वनराज शाह की फितरत तो कोई बदल नहीं सकता है, तो वो चुनौती देते भी हैं, लेते भी हैं, और क्योंकि उनकी ईगो इतनी बड़ी है तो उसके चलते वो बहुत कुछ कर ही देते हैं। और पर उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और वो बाय हुक और बाय क्रुक वो उनको करना ही है, बड़ा बनना ही है। ओके,
तो फ्यूचर में हमें ऐसा देखने मिलेगा कि आप अनुपमा अनुज को दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है आगे आके? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल उसका एक ही एजेंडा है कि उस इन लोगों को वो बिजनेस से दूर करना चाहता है, ताकि ये पूरी तरह से जो बिजनेस का जो ओनरशिप है या जो ताकत है या उसके ऊपर जो पावर है वो पूरी की पूरी वनराज के हाथ में आ जाए। भाई वनराज ने तो बिजनेस पर पूरा कब्जा कर ही लिया है और अब वो चाहता है कि अनुपमा और अनुज के रिश्ते में भी दरार पड़ जाए। तो भाई अब देखना होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है। मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।